A grand good morning to all the students and all my dear friends. मैं एम एस अली एंड यू आर वॉचिंग मेरे कलनी क्लासेज. आज मैं फिर से ले आया हूँ आपके लिए इनफॉर्मल हेल्पिंग वर्ब्स और ये है आपका आखिरी दिन, ये है हमारा आखिरी दिन इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ब को लेकर के. कल से आपको जो वीडियोज़ मिलने वाली हैं वो डिफरेंट काइंड्स की वीडियो आपको मिलने वाली है, यानी विभिन्न प्रकार की अलग अलग वीडियोज़ आपको मिलने वाली है, जैसा कि मैं बहुत पहले से आपको अलग अलग प्रकार की वीडियोज़ देता रहा हूँ. तो इनफॉर्मल हेल्पिंग वर्ब को लेकर के ये मेरी पाँचवीं वीडियो है, यानी ये पाँचवा पार्ट है. इस पार्ट को भी आप अच्छे से देखना, एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप अपना इंप्रेशन बाकी लोगों से अलग दिखाना चाहते हो, बाकी लोगों से डिफरेंट करना चाहते हो, तो आपको हेल्पिंग वर्ब यानी इनफॉर्मल हेल्पिंग वर्ब की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही एसेंशियल है. तो देखते हैं कि आज के लेसन में मैं आपके लिए क्या लाया हूँ. आज के लेसन में मैं आपके लिए लाया हूँ चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, उसको कैसे हम बनाते हैं. इस पर मेरी सबसे पहली वीडियो आई थी, शुड हैव को शुडा और शुड नॉट हैव को हमने शुड ना बताया था. और इसमें भी सेम आपको चलना है, लेकिन बस आपको थोड़ी सी बदलाव कर देनी है, यानी थोड़ा सा चेंजेज आपको कर देना है. यानी आपको आज आउट टू हैव का यूज़ करना है और आउट टू हैव के बदले में आप आउटा का इस्तेमाल करोगे. ओके, और जब इसका नेगेटिव फॉर्म आएगा आउट नॉट टू हैव, तो आप उसको करने वाले हो आउट ना. तो इस प्रकार से फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीकों से मैं सेंटेंसेस को आपको लिख करके बताता हूँ, समझाता हूँ. देखते हैं कि इन सेंटेंसेस का अनुवाद कैसे किया गया है. सबसे पहले तो हमने सेंटेंस देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुझे संगीत सुनना चाहिए था. यहाँ पर आपने क्या देखा, चाहिए था. और चाहिए था वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उनको हम दो तरीके से बनाते हैं, या तो शुड है प्लस वी थ्री से या ऑट टू है प्लस वी थ्री से. लेकिन ज़्यादा प्रचलन में शुड है प्लस वी थ्री है, ऑट टू है प्लस वी थ्री नहीं है. पर कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा नॉलेज रख लोगे तो कौन सी है ना बदनामी आ जाएगी या कौन सी दिक्कत आ जाएगी. तो चाहिए था के लिए हम यहाँ पर ऑट टू हैव मानकर चलेंगे फॉर्मल तरीके से, यानी एक सभ्य तरीके से. जैसे कि मुझे आई, चाहिए था ought to have, है ना, सुनना listened, क्योंकि आपको वी थ्री बनानी पड़ेगी, लिसन को आपने ईडी किया listened. ओके, संगीत टू म्यूजिक, क्योंकि आप जहाँ कहीं भी देखते हो ना कि लिसन के बाद टू जरूर आता है जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट देना हो, जैसे कि लिसन टू सॉन्ग, लिसन टू म्यूजिक, लिसन टू रेडियो, लिसन टू मी, लिसन टू हिम, लिसन टू हर. जब भी लिसन के बाद कोई ऑब्जेक्ट देना हो तो उसके बीचों बीच आपको टू को रखना पड़ेगा. अगर आप टू को नहीं रखते हो तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा. तो ये तो हमने ought to have से बनाया इसको फॉर्मल तरीके से. अब इसको इनफॉर्मली बनाते हैं, है ना. आई का आई, ought to have को हमने आउटा कर दिया है, यानी ought to have के बदले में आउटा. listened का listened किया है, टू म्यूज़िक का टू म्यूज़िक हमने किया है. और ये हमारा जो तरीका है ये इनफॉर्मल तरीका है, यानी अनौपचारिक तरीका है, जो हम अपने से छोटों के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ करते हैं, बड़े लोगों के साथ नहीं कर सकते. ओके, अब हम नेगेटिव फॉर्म की बात करते हैं. नेगेटिव में क्या होगा आपको कि चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे, तो आपको अंत में मिलेंगे ही, है ना, लेकिन नहीं के साथ. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो नहीं भी आया हुआ है ना. नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए थी, नहीं चाहिए थे. किसी कार्य को नहीं करना चाहिए था, ऐसा अगर बोध हो तो आप क्या करते हो, आप शुड नॉट हैव प्लस वी थ्री का यूज़ करते हो या आउट नॉट टू हैव प्लस वी थ्री का यूज़ करते हो. तो शुड नॉट हैव वाला पॉइंट तो मैं बता चुका हूँ सबसे फर्स्ट वीडियो में, और ये है आउट नॉट टू हैव. ओके, तो आप बनाते हैं आपको यू. ओके, नहीं चाहिए थी, नहीं चाहिए थी, तो नॉट टू हैव, यानी ought not to have. फिर से एक बार, आपको you, नहीं चाहिए थी, है ना, ought not to have, यानी नहीं चाहिए थी, है ना. गाली देनी, तो गाली देने की इंग्लिश क्या होती है, abuse. और abuse में आप सिर्फ d लगा दोगे तो ये बन जाएगी v3 abused, यानी you ought not to have abused. अब हम बात करते हैं इसके इनफॉर्मल तरीके की. तो इनफॉर्मल तरीका शॉर्ट तरीका होता है. जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि ought not to have लिखा हुआ है. आप तो देख ही रहे हो कि ought not to have लिखा हुआ है. बस इसके बदले में आपको ought ना कर देना है. ought ना, यानी ought not to have के बदले में आपको ought ना कर देना है. बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा. तो यू का यू रह जाएगा, ought not to have के बदले में ought ना हो जाएगा, abused का abused हो जाएगा. इस प्रकार से आप हज़ारों सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हो, हज़ारों सेंटेंसेस को आप बना सकते हो. ought to have के बदले outer का इस्तेमाल करोगे और ought not to have के बदले आपको ought ना का इस्तेमाल करना है. लेकिन कब करोगे, जब आपकी हिंदी क्रिया के अंत में चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे मिले. तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ये वीडियो आपको जैसी भी लगी हो आप मेरे को कमेंट में बताना क्या कमी थी, क्या
कमी नहीं थी, सब कुछ मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि अगर आप मेरी कमी को बताओगे तो शायद हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी कमियों को सुधार करके और भी बेहतर करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि इंसान तो ज़िंदगी भर सीखता रहता है, कोई भी इंसान आज तक परिपूर्ण नहीं हुआ है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, वीडियो अच्छी लगने के बाद शेयर करना। और हाँ, याद रहे, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, व्यूअर हो, या फिर आप मेरे फ़ैन हो मेरी वीडियोस के, तो आप कल से मेरे साथ बने रहो, क्योंकि कल से लगातार 2-3 दिन जो आपको वीडियोस मिलने वाली है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप की आपको वीडियो मिलने वाली है। वर्ड्स पर, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स पर मैं आपको वीडियोस देने वाला हूँ जिस तरह के वर्ड्स आपने कभी देखे ही नहीं होंगे, और वो वर्ड्स हमारे रोज़मर्रे के जीवन में या डे टू डे लाइफ में उनकी ज़रूरतें हमें पड़ती रहती है। कुछ ऐसे वर्ड्स की बात हम करने वाले हैं 2-3 दिन की वीडियोज़ में, कल परसों तरसों जो कुछ भी हो। तो आप इस चैनल पर, मिरेकल यूनिक क्लासेस के चैनल पर आप मेरे साथ बने रहो, आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप की वीडियोज़ मिलती रहेंगी, कुछ सिंपल भी मिलेंगी, कुछ सिलेबस वाले भी मिलेंगी, क्योंकि सभी लोगों को देख करके चलना पड़ता है या सभी लोगों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। इसलिए नहीं तो मैं तो आपको सिर्फ डिफरेंट काइंड की वीडियो ही देता, लेकिन सबको एक साथ ले चलने से बेहतर होगा, क्योंकि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। इसलिए तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे टू ऑल एंड नाइस डे टू ऑल।